तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर ऐसी भी प्रजातियां हैं जो कि खुद शेरों से भिड़ जाती हैं और मौका देखते ही शेरों के झुंड से उनका शिकार चुरा लेती है। वैसे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के आसपास के देशों में कई सारी ऐसी जंगली जनजातियां रहती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही जनजातियां ऐसा जज्बा रखती हैं जो कि शेर जैसे जंगली जानवरों से उनका खाना छीन लेती है, जिसमें मसाई जनजाति के कई सारे समुदाय शामिल हैं। और इनमें डोरोबो नाम की प्रजाति को इस काम को करने के लिए सबसे ज्यादा महारत हासिल है। वैसे तो डोरोबो नाम हर कबीले के उस छोटे से ग्रुप को कहा जाता है जो कि पूरे कबीले के लिए जंगलों में जाकर खाने पीने की व्यवस्था करता है, जो कि ज्यादातर जानवरों का शिकार करके उनके मांस से ही अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। ये लोग खेती करना भी जानते हैं, जो कि ईस्ट अफ्रीका के स्थान पर देखने को मिलती है। बट खेती और शिकार करने से ज्यादा फोकस ये जंगली जानवरों द्वारा ऑलरेडी किए जा चुके शिकार को पाने में लगाते हैं। जैसे कि आज की इस वीडियो में आप मसाई समुदाय के डोरोबो ग्रुप की जनजाति को 15 शेरों के झुंड से उनका शिकार छीनते हुए देखोगे, और मुझे विश्वास है कि ऐसा सीन आपने पहले कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, वेलकम है आप सबका द साइंस सिस्टम की TSS एनिमल सीरीज के एपिसोड नंबर 13 में, जहां आज यह पूरा ग्रुप अफ्रीका के सबसे खतरनाक शिकारी का शिकार छीनने जा रहे हैं। और ऐसा रिवाज केन्या की यह प्रजाति हजारों सालों से फॉलो करती आ रही है। वैसे तो ये अफ्रीकन शेर रात के समय ही शिकार करते हैं, बट रात के अंधेरे में हमारी इस डोरोबो प्रजाति के लोग अच्छी तरीके से एक्शन नहीं ले पाते हैं, इसलिए अगर इन्हें दिन के समय शेर का शिकार मिल जाए तो यह उसे लपकने का मौका कभी नहीं छोड़ते। और आज कुछ ऐसा ही मौका इन्हें दोबारा मिल गया है, जहां 15 शेरों के झुंड ने एक भैंसे को दबोच लिया है और उसके मांस का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं ऐसा करते हुए डोरोबो ग्रुप की नज़र इन पर आ गई है और वो आगे चल पड़े हैं अपने पूरे हथियारों के साथ। और इसी सब के दौरान इन सबसे कैमरामैन कहने लगा कि भाई थोड़ी सावधानी बरतना, अपनी जान बचा कर रखना। तभी ये लोग अपनी भाषा में कैमरामैन से बोलते हैं कि तुझे क्या लगता है कि हम कुछ नहीं जानते, और हंसते हुए कहा कि तू अपनी फिक्र कर, हम तो सब संभाल लेंगे। और इसी मूवमेंट के बाद यह एक्शन में आ जाते हैं एंड इस जनजाति के हथियार बंद लोगों को अपनी तरफ बढ़ता देख शेरों का झुंड पीछे भागने लगता है। और जैसे ही अपने शिकार को 15 शेर छोड़ के भागते हैं, वैसे ही यह डोरोबो प्रजाति अपने अपने हथियार निकाल कर उस जंगली भैंसे के बड़े बड़े हिस्सों को काटने में लग जाते हैं। और यही काम करते समय उनके पैर कांप रहे होते हैं, क्योंकि शेर उनसे सिर्फ महज कुछ ही दूरी पर खड़े हैं, जो कि कभी भी इन पर हमला कर सकते हैं, जिसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एंड जैसे ही भैंसे की एक टांग कटकर अलग हो जाती है, वैसे ही ये सब दुम दुमाकर भाग जाते हैं। और ऐसा रिवाज करने से इन्हें कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि जंगल की सबसे खूंखार नस्ल शेरों के अंदर इनका खौफ पैदा होना, अपने कबीले के लिए खाना इकट्ठा करना, एंड बिना मेहनत के और किसी भी जानवर को बिना मारे एक ताजा शिकार का मिल जाना। और यह सब काम करके हमारी डोरोबो ग्रुप यानी कि मसाई जनजाति के लोग अपना परिवार चलाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड ऐसे ही 3 से 4 मिनट की साइंस, स्पेस एंड एनिमल वर्ल्ड से जुड़ी हुई ज्ञानवर्धक वीडियोस पाने के लिए इस चैनल द साइंस सिस्टम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन जरूर दबा देना। इसी के साथ मैं गौरव मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।